नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लेंगे और आपके जो समस्याएं अतिथि शिक्षक के जेफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन रूप से आवेदन करने के दौरान हो रही हैं, तो हमारे जो इसके पहले के वीडियोस पर सभी समस्याओं को लेकर 50 से ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं, तो आज हम उनका उत्तर देंगे और आपकी इन समस्याओं का जितना हो सकेगा समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तैयार हो जाइए, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हमारे चैनल पर इसके पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें फटाफट जाके आप यहाँ पर अपना कर दें, नहीं तो इसी वीडियो पर आप अपने जो समस्या है उसको ऐड कर दीजिए और आपको अगले वीडियो पर उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनको क्या क्या समस्याएँ हो रही हैं, नए और पुराने जो अभी हाल ही में कमेंट आए हैं 5 मिनट 2 मिनट पहले, उनसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, पहला, केवल चॉइस फिलिंग करने पर केवल एक चॉइस फिलिंग हो पा रहा है, एक से अधिक चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, पोर्टल जेफएमएस पोर्टल अभी अपडेट हो रहा है और उसमें कई तरह की कमियाँ भी हैं जेफएमएस पोर्टल पर, सभी जानते हैं। अगर एक चॉइस फिलिंग हो रहा है तो अभी आप लॉक मत करिएगा, आपको बहुत सारी चॉइस करनी है ताकि आपको स्कूल मिल सके। और एक चॉइस अगर हो रहा है उसमें ऐड करिए, ऐड करने का ऑप्शन नीचे आ रहा है और ऐड जैसे ही करेंगे वो सेव होगा, हो सकता है सर्वर की वजह से सेव ना हो। बाकी ये समस्या आपकी जो है ज़्यादातर लोगों को एक आ रहा है, तो ये बड़ी समस्या नहीं है, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आप वैकेंसी कोड डाल के उसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जाके फिर से वैकेंसी कोड दूसरा डालेंगे तो दूसरा वाला ऐड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा हूं, उधर से मैसेज आ रहा है आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कृपया इसमें संशोधन का विकल्प DPI। तो ये पोर्टल की गड़बड़ी है, ये आपका अपडेट हो जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हमें चयन की सूचना किस प्रकार प्राप्त होगी, यानी आपका सिलेक्शन विद्यालय पर हो गया है, आप जब ये वर्तमान प्रक्रिया कर रहे हैं इसके बाद आपका चयन होगा, तो जेफएमएस पोर्टल के माध्यम से आपको एक लेटर निकलेगा ज्वाइनिंग का, वह लेटर आपको 10 तारीख से निकलना शुरू हो जाएगा, 9 तारीख तक ये प्रक्रिया है, 10 तारीख से आप उस लेटर को निकाल के 11 तारीख के स्कूल पर आपको लेके जाना है और ज्वाइन ले लेना है। फिर क्वेश्चन है कि सर, जो ज्वाइन है उनका काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा, जो ज्वाइन हो चुके हैं पहले से उनको काउंसलिंग में मौका नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर एक और अच्छा जो आपका सवाल है, यहाँ पर देखिए, जो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं और प्रमोशन या अन्य कारण से बाहर हो गए हैं तो उनको भी इस काउंसलिंग में हिस्सा तब तक नहीं लेने का मौका मिलेगा जब तक वह उस जेफएमएस पोर्टल से रिमूव नहीं हो जाते हैं। ऑटो रिमूव की प्रक्रिया के लिए DPI ने IT विभाग को कहा था, लेकिन ऑटो रिमूव अभी किसी का नहीं हुआ है और इससे हुआ है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पुराने वाले जो ज्वाइन होने के बाद हटे हुए हैं, ज्वाइन हो गए फिर बाहर हो गए, वह अभी किसी उनमें से कोई भी अभी अपनी डिटेल फिल नहीं कर पा रहा है, तो वह परेशान न हो, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको भी फॉर्म भरने और चॉइस फिलिंग में मौका मिले। फिर EKYC स्टेटस नंबर 9 बता रहा है, जबकि मेरी EKYC पहले ही हो चुकी है। तो इसकी दो कंडीशन है, पोर्टल की गड़बड़ी है, और अगर पोर्टल की गड़बड़ी ठीक नहीं होती है, अभी वेट कर लीजिए आप, तो आपको फिर दोबारा से EKYC कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन EKYC करने के लिए आपको मोबाइल से नहीं करना है, आपको PC चाहिए, MP ऑनलाइन वाले के पास जाकर करवा लेंगे, या फिर आप कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से करिए, क्योंकि कुछ मीनू जो है मोबाइल में काम नहीं करते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन है, 2018-2019 के 25 अंक अतिथि शिक्षक के क्यों हटाए, वह तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, इनका कोई हक नहीं है BJP सरकार 25 अंक हटाने का, ये बताया है अनिल राठौर जी हैं, तो आप इनके लिए बता दें, ये इनका कहना एकदम सही है, पुराने अतिथि शिक्षक है, कांग्रेस की सरकारों के दौरान मिले थे, नहीं हटाना चाहिए, लेकिन संगठन ने ही यहाँ पर हटवाए हैं अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा, DPI जा करके लेटर दिया गया कि हटाइए, लेकिन उन संगठन में मांग भी किया था कि 10 नंबर आप दीजिए एक साल के, लेकिन DPI वालों ने उल्टा ही कर दिया, 4 नंबर एक साल के दे दिए, उल्टा से ऊपर बहुत सारे हजारों अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनको जितने साल वह काम किए उनका जोड़ा ही नहीं।
फिर वैकेंसी कोड पहले से दर्ज बता रहा है सर रिप्ले, ये प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाएगी तुरंत। जिनका था वो पोर्टल की गड़बड़ी है, पापती को स्कूल लेकर जाना है कि नहीं जाना है, तो ये भगवान सिंह जी का है प्रश्न। पापती को स्कूल लेकर नहीं जाना है, आपको ज्वाइनिंग लेटर जब निकलेगा 10 तारीख को उसको लेकर स्कूल जाना है जहाँ के लिए आपका सिलेक्शन होगा, तो अभी कोई पापती उपती लेकर नहीं जाना है स्कूल में। फिर सर एक ही स्कूल फिल कर पाया और सबमिट कर दिया, अब क्या होगा? तो इसमें भैया आप कोई संशोधन नहीं होगा, अभी संशोधन इस तरह के और केस आएंगे और इस तरह के केस में हो सकता है कोई सुधार हो, लेकिन फिलहाल अभी आपका कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसके पहले के वीडियो में जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया बताई है उसमें स्पष्ट कर दिया था कि सभी लोग जो है यहाँ पर अच्छे से उस चीज़ को समझ लेंगे तभी अपना सबमिट वगैरह करेंगे, ये चीज़ें देख लें। फिर अगला क्वेश्चन है सर, गुड नून सर, मैंने 2018-19 में पढ़ाया है और गेस्ट टीचर के तौर पर टीचिंग किया है जिसका ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब पहले का ही नंबर, दो ईयर का नंबर कैसे जुड़ेगा? तो देखिए जितना ऑनलाइन आपका उसमें अनुभव बना हुआ उतने का ही नंबर उसमें ऐड हो सकता है, नहीं ऐड हुआ तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले के लिए कोई चांस नहीं। फिर सर एक साथ दो वर्ग की वैकेंसी सबमिट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक साथ आप वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग स्कूलों के अंदर जो पद होते हैं। फिर है सर, कोड एक ही ब्लॉक के स्कूल का डाल सकते हैं या अदर ब्लॉक के भी डाल सकते हैं? जिले के अंदर है स्कूल तो कहीं भी एक जिले के अंदर पहले वैकेंसी सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे जितने भी ब्लॉक हों अलग अलग ब्लॉक इसमें ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर जी पर्सनल डिटेल नहीं दिख रहा है, प्लीज़ कुछ बताइए, ये समस्या बहुत लोगों की आ रही है, पर्सनल डिटेल नहीं दिख रहा, वो दिखने लगेगा पोर्टल की गड़बड़ी है। अगर नहीं दिख रहा तो ई KYC कर लें, लेकिन लास्ट ऑप्शन में ई KYC करेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे पर्सनल डिटेल जिनका नहीं दिख रहा उसके लिए। फिर ई KYC स्टेटस नो बता रहा है जबकि मेरी KYC पहले, तो पोर्टल की गड़बड़ी है, इसके लिए परेशान ना हो, पर्सनल डिटेल नहीं दिख रहा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ठीक, तो इसमें परेशान ना हो, ये पोर्टल गड़बड़ी है, अभी वेट कर लें। मुझे वर्ग दो में चॉइस करना था, वर्ग एक का करने के बाद लॉक कर दिया, वर्ग दो के चॉइस कैसे करें? अब ये आपका चॉइस नहीं होगा फिलहाल अभी तक, अगर DPI से अपडेट आता है तभी हो पाएगा। फिर सर एक ही स्कूल चॉइस हो गया है, सबमिट कर दिया और स्कूल ऐड नहीं, ये वाली समस्या बहुत लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इसमें देखिए ये इसके लिए हम DPI के लिए वीडियो स्पेशल बनाएंगे ताकि DPI तक मैसेज पहुँचे और आपकी ये समस्या दूर हो। जिन्होंने लॉक कर दिया है एक चांस उनको मिल सकता है, हालांकि उनको उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि किसी को दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इसमें संशोधन नहीं होगा, लॉक करने से पहले सब कुछ अच्छे से वो जांच ले, परख ले, समझ ले, तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए। और ये मुझे ज़्यादातर जो सवाल है मैंने उनके अटेंड कर लिए हैं। MP स्कोर कार्ड के बारे में बता दें, स्कोर कार्ड में अनुभव जो MP TET क्लियर है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, 30 नंबर उनको मिले हैं, जिस कैटेगरी में हुआ है पास है, वर्ग एक में पास है तो वर्ग एक का, वर्ग दो में पास है तो वर्ग दो में, वर्ग तीन में पास है तो वर्ग तीन में उनको नंबर ऐड किए गए हैं, एक कैटेगरी के नंबर दूसरे में नहीं, MP TET का मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नंबर जोड़े गए हैं। फिर दूसरा अनुभव के 4 नंबर लिए गए हैं 1 साल के, और 4 नंबर के हिसाब से आपके जुड़े होंगे, लेकिन बहुत लोगों के मैं 5 साल पढ़ाया है 3 ही साल का जुड़ पाया है, तो उसके लिए DPI की तरफ से आगामी समय में जुड़ सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जुड़ ही जाए। तो ये है मोबाइल नंबर KYC कैसे करें, मोबाइल नंबर के बारे में बहुत से आ रहा है मैसेज कि मोबाइल नंबर में KYC नहीं है, तो ये पोर्टल की गड़बड़ियाँ हैं, ये आपकी सब दूर हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो थोड़ा इंतजार करना है, फिर भी नहीं होती है तो आपको KYC फिर से कर लेना है, 1 मिनट लगता है कंप्यूटर से उसको करना है। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही आपको बता पाएंगे सवालों के उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। अगला वीडियो आपके अगले कमेंट के ऊपर रहने वाला है और अगली प्रोसेसिंग किस प्रकार से रहेगी, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है।